प्यार में पड़े लोग अक्सर एक दूसरे से कहते हैं रामखोर। हेलो हाय, मैं हूं वैभव। एक लंबे हैंगओवर के बाद इस हफ्ते 2017 की पहली दो फिल्में, बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। एक ओके जानू, दूसरी हरामखोर। पहले ओके जानू, तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है ओके जानू, जिसको साउथ इंडिया के सुपर हिट डायरेक्टर मणिरत्नम सर ने बनाया। फिल्म में म्यूजिक दिया AR रहमान ने, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं और आशिकी 2 से हिट हुई जोड़ी, पॉपुलर जोड़ी श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर है। फिल्म को क्रिटिक्स ने देखा, कैसी लगी उनको फिल्म आइए जानते हैं। मैं US जा रहा हूँ, ज़ाकमर को कंपटीशन में। अब सवाल ये उठता है कि why do our young lovers sound so बचकाने? ऐसा शुभ्रा गुप्ता कहती हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखती हैं। वो कहती हैं कि बॉलीवुड को यंग लवर्स की कहानियों को बेहतर तरीके से दिखाना पड़ेगा। साथ ही ये जो फिल्म है ओके जानू, ये मणिरत्नम की ओरिजिनल फिल्म के सामने फीकी और प्रेडिक्टेबल सी लगी। 5 में से 1.5 स्टार। सीन बाय सीन कॉपी और एक स्ट्रॉन्ग रिप्ले वाली ओके जानू कहानी है आदि और तारा की, जो एक शादी पर मिलते हैं, फिर प्यार हो जाता है और जब तक वो अपने सपनों और करियर को सच करने के लिए अलग नहीं होते तब तक एक साथ लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के निहित भवे ने लिखा है। वो कहते हैं कि अगर ओरिजिनल फिल्म तमिल वाली जो है उसको नहीं देखा तो इसे देख कर अच्छी फील आएगी। 5 में से 3.5 स्टार्स। जो पोस्टर पे वो सब गलत है, ये असल में असली कहानी है नसीरुद्दीन शाह और लीला सैमसन की लव स्टोरी, एक बुढ़ा एक ओल्ड सा कपल जिसकी लव स्टोरी है। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर तो साइड एक्टर्स हैं। ऐसा श्वेता कौशल, जो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती है, वो कहती है कि अगर प्यार में विश्वास है तभी इस फिल्म को देखो, अगर नहीं है तो मत देखो। ओके सर, 5 में से 3 स्टार है। तो कुल मिलाकर 3 रिव्यूज के आधार पर ओके जानू को मिलते हैं 5 में से 3। अब इस लव की थीम को थोड़ा आगे बढ़ाते, लेवल चेंज करते, लेवल हराम खोर। फिल्म 2 साल से बनी पड़ी फिर लटक गई, पर जब ट्रेलर आया तो ट्रेंड कर गया ट्रेलर हराम खोर। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, श्वेता त्रिपाठी हैं जो मसान से पॉपुलर हुई थी, और गैंग्स ऑफ वसेपुर में कैमरे के पीछे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे श्लोक शर्मा, उन्होंने बनाई ये फिल्म हराम खोर। क्या कमाल की लड़की है, इधर क्या देख रहे हैं? हराम खोर ये एक ऐसी फिल्म है जो ले जाएगी आपको सच से और करीब, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ओरिजिनल कहानी है जो हिंदी सिनेमा के दायरों को बढ़ाएगी। फिल्म में श्वेता त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम कमाल का है। 5 में से 4 स्टार। तो है क्या हराम खोर? एक गाँव है, उसमें शादीशुदा एक मास्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसकी एक क्लास है, क्लास में एक लड़की है, लड़की पर नवाज फिदा है और क्लास में एक बच्चा है वो भी लड़की पर लाइन मारता है। तो कुल मिलाकर इश्क जो है रिस्की, एक हार्ड हिटिंग सी कहानी है जिसका एंड डोलता हुआ है, बाकी सब अच्छा है। फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स दे रही हैं रेणुका व्यवहार टाइम्स ऑफ इंडिया से। श्लोक शर्मा की हराम खोर एक साहसी फिल्म है, ऐसा साइबल चैटर्जी लिखते हैं NDTV के लिए। वो कहते हैं कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए एक नई सोच लेकर आई है। साथ में उनका ये भी कहना है कि इस फिल्म को देखना आसान नहीं था। फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट कार्ड जो हराम खोर का बना है वो 5 में से 3.5 स्टार ही देता है। ओके जानो, मैं वैभव चलता हूँ यहाँ से। अगले हफ्ते आप कौन सी फिल्म देखोगे, रईस या फिर काबिल? दोनों बड़ी फिल्में। आप हमें यहाँ सब्सक्राइब करके नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। मैं चलता हूँ, बाय बाय।